मन मारिया अणिया लड़िया राम राजे इसला की पीर पिरम की सो जाने दरिया जीवन मुकत सो आखिया मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग पुत्र तरिया तरिया। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ते सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोड़ सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो कछ निकच महला पहला। वडी वड्याई जा वड्डा नाओ वडी वड्याई जा सच ने आओ वडी वड्याई जा ने चलताओ वडी वड्याई जाने आलाओ वडी वड्याई बुझे सब पाओ वडी वड्याई जा पूछना दात वडी वड्याई जा पे आप नान कारना कथनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा। ए जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना बाणे कढ ले इक ना माया विच निवास ए पी आख ना जापई जे किसे आणे रास नानक गुरमुख जानिए जग आप करे परगास बोली नानक उपाय कै लिखना वै धर्म बालिया ते सच्चे सन गुणै गुण वख कड़े जज मालिया पाउ न पल कुहिया मौका लै दो जक चल तेरे नायर किस सिन गए हार गए शेर गण वालिया लिखना वै धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया। ओड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वकड़े जमा लिया थाव न पाए निकुड़िया मोह काले दो जग चलिया तेरे नायर ते से जिण गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वै धर्म बहालिया लिखना वै धर्म बहालिया। हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम हरे गुर पुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तान शब्द विगासिया जाप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद ना गह फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भो विस्माद चिफ्त विस्माद छला विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहे विस्माद नानक भूजन पूरे भाग महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत बहुत सुखसार कुदरत पाता लिया काशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद
पुराण कतेबा कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत पतियां कुदरत मान अपमान कुदरत पौन पाड़ी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक कुमेंदर वेख वरत ताको ताक बोड़िया पिन भोग भोग कै ओए पसमण पावन सिताया वडाओ अग्नि दा गल संगल तात चलाया के करनी किरत वाची है पहले खा कर समझाया भावना होवी पौदी हुण सुनिए क्या रुआया मन अंदर बहले का कर समझाया था नोई पौधे सुनिए क्या रवाया मनंदे जन्म गवाया मनंदे जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया श्लोक महला पहला पै विच पवन वह सदवाओ पै विच चले लख दरियाओ पै विच अगन कढ़ै विगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद फिरै सिर पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कह करोड़ी चलत नंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोध महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया पाओ लिखिया सिरलेख नानक निरपा निरंकार सचेक महला पहला नानक निरपौ निरंकार होर केते राम रवान केतिया कर कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गिर मुड़पुरै ताल बाजारी बाजार में आए कड्डै बाजार गावे राजे राणियां भुले आल पताल लकटकिया के मुंदड़े लकटकिया के हार जितन भैया नानका सेतन हो वैचार ज्ञान नगली ढूंढिया कतना करना सार कर्म मिला ता पाइए कर्म मिला ता पाइए होर हिकमत हुक्म खुआर पूरी नजर करिजे अपनी पा नजरी सतगुर पाया इहो बोते जन्म परमे आ सतगुर शब्द सुनाया सतगुर दे वरदाता तू नहीं सब सुनियो लोक सभाया सतुनिया सत पाया जिनी विचो आप वाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया ओड़ी नजर करे जे अपनी तार नदरी सतगुरु पाया इस जो बोते जन्म पर व्याता सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जी वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सभाया सतगुरु बलिए सत पाया जिन विचो आप गवाया जिनी सचो सच पुजाया जिनी सचो सच पुजाया कहो नानक जीड़ा बलिहारी देहो दरस प्रभ मेरे कहो नानक जीड़ा
बिहारी देहो तरस तब मेरे कहो नानक जियड़ा बलिहारी देहो तरस तब मेरे आस प्यासी पीर कै ताई जो चात्रक Bye.
बलिहारी देव तरस तब मेरे कहो नानक जीड़ा बलिहारी देव तरस तब मेरे कहो नानक जीड़ा बलिहारी देव तरस प्रभ मेरे आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदे आ हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोट गाड़े विच हर हर सिता हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विता दुर्भाग वटे भर पाया नानक रस गुता सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन बाणी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला वाई चले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड उड रावा चाटा पाए वेख्या लोग हसै कर जाए रोटिया कारण पूरा ताल आप पछाणे धरती नाल गावन गोपिया गावन कान गावन सीता राजे राम निरभव निरंकार सचनाम जा का किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाओ सिक्की सिक्या गुर विचार नदर कम लंघाए पार कौलू चरका चक्की चक थलवार ले बहुत अनंत लाटू मादानियान गा पंकी पौधिया लै नसा सुय चाड़ पवैया जंत नानक पौधिया करतनांत बंधन बंद पवाए सह पै कृत नचै सब कोय नाच नच सह चलै से रोए उड़ ना जाई सिद्ध ना हो नचन कूदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ गुड़िना उतरा निरंकार है ना नहीं है नरक न जाइए जी उपन सत्य सिदा देखा जै आग वही जनूड़ चंगा भुला कर पुनो नीच सताई है जी दरवाना पर हर है जरवेश तरे दी आई है कौ रहना जे जवाना पर हरे जरवेश करे दिया को रहना परिये पाईये को रहना परिये पाईये पंथ दसावा नित खड़ी जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चेताए खुद हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हो मैं बिक जाली जन नान सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे भी जार बंदे से जे पवे विच बंद वेखन को दीदार
हिंदू साला ही सलाहन दर्शन रूप अबा तीर्थ ना वैर जा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुनते आवन देते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सत्या मन संतोख बजै देने कह विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा ते गुणियारा खारा बावेकार इक होदा खाए चले थाओ तिना पी खाई कार जल थल जिया बुरिया लोआ कर रोए दे आखे सो तू है जाने तिना भी तेरी सार नानक भक्ता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंतिया बाचार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ भई कुम्यार कड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार पूरी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है बिन विचों मोह चुकाया उत्तम विचार है बिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन उत्तम एह विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैथिरी विचुने राम राजे मेरा मन तन बहुत डरा गया हर नैन रस प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन मूरख कार लाया नानक हर कमे सलो महला बेला हां विच आया हां विच गया हां विच जमया हां विच मुआ हां विच दिता हां विच लया हां विच खड़िया हां विच गया हां विच सच्यार कुड़ियार हां विच पाप पुन विचार हां विच नरक सुरगे अवतार हां विच नरक सुरगे अवतार हां विच हसै हां विच रोवै हां विच परियै हां विच धोवै हां विच दाती जिनसी खोवै हां विच जाती जिनसी खोवै हां विच मूर्ख हां विच सियाणा मोख मुकत की सार ना जाना हां विच माया हां विच छाया हां मैं कर कर जस दबाया हां मैं बूझै तां दर सूझै ज्ञान भी होना खत खत लूझै नानक हुक्मी लिखिया लेख देहा वेखै देहा वेख महला दूजा हमें आजात है हमें कर्म कमाहे हाँ मैं बंदना फिर जोनी पाहे हाँ मैं कितो पुजै कित संजमे जाए हाँ मैं ये हुक्म है पै कृत फिराहे हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी से पीती संतोखी जिनी सचो सच ते हानि मन दे पैरा रखियो कर सुकृत धर्म तम है उन्नी दुनिया तोड़े बंदना तन पाणी ठोका खाया तू पछी सी अगला नित देवै चढ़ै सवाया बटे आई बटा पाया बटा पाया बटा पाया
सेवक ती संतोखी जिन सचो सच ध्याया, उन मंदे पैर न रखियो उनका सुकृत धर्म कमाया। उन्हें दुनिया तोड़े बंधना न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शिश अगला ने तेवे चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया। गुरे अमृत पिन्नी देहुरी, अमृत पुर के राम राजे जिन्ना पुर बाणी मन पाईया। अमृत चक चके पुर टूटे हर पाया, चुके तक तके हर जन हर हर होया। नानक हर एक हर जन हर हर होया। सलोक महला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था टेटा मेगा खेता। दीपालोआ मंडला खंडा वरमंडा, अंडज जेरज उत्पुजा खानी सेत जा। सोमित जाने नानका जरा मेरा जनता, नानक जंतु पाए कै संभाले सबना। जिन करता करना किया चिंता भी करनी था, सो करता चिंता करे जिन पाया। जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण अपग। नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या जग महला पहला। लख नेकियां चंगियाईयां लख पुना प्रवान, लख तप उपर तीर्था सहज विबाण। लख सुरतन संग्राह वर में छुटे प्राण, लख सुक्ति लग्या अंत्यान पढ़िए पाठ पुराण। जिन करता करना किया लिखिया आवन जान। नानक मती मिथे कर्म सच्चा निशान, बोली सच्चा सब एक तू। जिन सचो सच वरताया जिस तू मिले सच, का तिन्नी सच कमाया सच मिले सच पाया। जिन कै हिरदै सच वसाया मूर्ख सच न जाननी, मन मुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काये आया काये आया। सच्चा साहिब एक तो जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सस्ता तिन्नी सच कमाया। सतगुण मिले सच पाया जिन के जिन विचो आप गवाया। जिन सचो सच पुजाया जिन सचो सच पुजाया। तेरा नाम वखर वापार जी, तेरा नाम वखर वा पार जी। तेरा नाम वखर वा पार जी, तेरा नाम वखर वा पार जी। तेरा नाम वखर वापार जी, तेरा नाम वखर वापार जी। तेरा नाम वखर वापार जी, तेरा नाम वखर वापार जी। तेरा नाम वखर वापार जी, तेरा नाम वखर वापार जी। मैं बन जा रे तेरा नाम वखर वापार जी। मैं बन जा रे राम की तेरा नाम वखर वापार जी। तेरा नाम वखर
नाम बखर व्यापार जी, तेरा नाम बखर व्यापार जी, तेरा नाम बखर व्यापार जी। Oh, I'll just
सै हो मिलोंगी बात सार। उर्वार पार मेरा सोब सै हो मिलोंगी बात सार। तेरा नाम वतन व्यापार जी, तेरा नाम वतन व्यापार जी, तेरा नाम वतन व्यापार जी, तेरा नाम वतन व्यापार जी। महला चौथा। हरि अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा साओ है, सिख दे हर रासे, तन तन बन जारा बन है, गुरु शाहु सपासे, जन नानक गुर तिन्नी पाया, बिंदु लिखत लिलाट लिखासे लिखासे। श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गद्दी लदी है, पढ़ पढ़ परी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड़ी है खास, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास,
पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे एक गल और हो मैं चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया वो तीरथ पविया ते तो लव्या बहु पेक किया दही दुख दिया सोवे जी अपना किया अन ना खाया साथ गवाया वो दुख पाया दूजा पाया बस ना पैर निष्कैरे मोन गुता क्यों जागे गुरु बिन सुता पग पे दाना अपना किया कमाड़ा मलकाई सी चाई पाई मूरखन दे पत गवाई विणदा वै किचताए ना पाई रे बेबाणी मणि मसाणी अंद ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसुदे सेते न केवल हम मैं शब्द जलाए बोली पवित्र मन पाल दे दर सोहन कीरत गांदे नानक कर्मा बहरे दर ढोना लैनी गांदे कुमूल ना पुना अनहोदा बनाए दे हो तड़कानी जा हो उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा के तुझे ते आए दे थोड़ी भगत रे मन पाउन दे सोहन कीरत गाउन दे नानक कर्मा बाहरे डटो न लैनी थाव दे एक मूल न पूजन अपना होंदा आप गणाए दे होंडा निका नीच जात हो उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे मंगा जे तुझे त्याइंदे सच शाओ हमारा तुपनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुते साध्या विच वस्त हर तारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ स्वायना कूड़ रूपा कूड़ बैननहार कूड़ काया कूड़ रूप कूड़ कपड़ कूड़ रूपे अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए कार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मीठा कूड़ माखियो कूड़ डूबे पूर नानक कखाने बेनती तुझ बाज कूड़ो कूड़ मला पहला सच दा प्रजाणिय जारी दा सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार ना सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने दियो तरत काया साध कै विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता प्रजाणिया जाया तुम तीरथ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरे करे निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाण बेनती जिन सच पल्ले हुए पूड़ी दान मुहिंदा तलिका ये मिले तमसक लाइए पूरा लग छटिए ओए तुमन अलग ते आई है फलते वे पाई है जे में ही कार कमाई है जे हो अपुर लिखिया तापूड़ इना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है ओड़ी दान महंडा तली खाक जे मिले तमस्तक लाई है कूड़ा लला छड़िया एक मन अलग ते आई है फलते वे हो पाई है जब ही कार कमाई है जे हुए पुरब लिखिया ता तोड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम साला है दिन रात ए
हाथ से आधारो हम मूर्ख किछु न जानहा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहार। सलोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल कालक बेतार बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे खोए ता उगवै रुति हूं रुत होए नानक पाहे बहरा कोरे रंग ना सोए पै विच खुम चढ़ाए शर्म पहो तन खोए नानक भक्ति जे रुपै कूड़ै सोए ना कोए मला पहला। लाभ पावे राजा मैता कुड़हुआ सिकदार काम ने सच पुछिए बै बै करे विचार अंधी रयत ज्ञान विहुनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार उच्चे कुके वदा गावे जुदा का विचार मूरख पंडित एक मत हुंजत संजय तरे प्यार तरमी तरम करेगा वावे मंगे मुख द्वार जती सदा वे जुक्त न जावे छट बह कर बार सब को पूरा पे होवे काट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे मैला पहला। वदी सोवच ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे गिरकी लेखे पत पवे चंगे सही के बोड़ तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया तातिनी खसम ते आया इतना चिंता गए मस्त सिंधना ही तुद बेकी जाग तू पाया इतना नुक मिले इक आपो तुद को आया तुद की पाद जाने आ मैं तुद आप जाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राये हम फूल की गाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम भारत तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हन कांडे ना सलो महला पहला दुख दारू सुख रो पया जा सुखताम ना होई तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता कल कला पर पूरे हा तू सचा साहिब सिव सो आले हो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहा मला दूजा। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पियो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा। हे कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा बस देवस जे को जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला। कुंभे बड़ा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बड़ा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए पूरी पड़िया होगा गुनेगा उड़ी पड़िया होवे गुनहगार धौमी साधना मारिए जिहा काले कालना तने हो ना पछारिए ऐसी कला ना खेडिए दरगे गया हारिए
ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਓਮਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਆਲ ਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤਜ ਸਭ ਆਲ ਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤਜ ਸਭ ਹਰ ਗੁਨਾਨਿਤ ਗਾਓ ਹਰ ਗੁਨਾਨਿਤ ਗਾਓ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ਹਰ ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ਹਰ ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ਹਰ ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ਕੀਓ ਪਿੰਡ ਤਨ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਲ ਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤਜ ਸਭ ਆਲ ਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤਜ ਸਭ ਹਰ ਗੁਨਾਨਿਤ ਗਾਓ ਹਰ ਗੁਨਾਨਿਤ ਗਾਓ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਸਿਮਰ
सदा सुख पाइए जीवन का मूल सिमर सिमर सदा सुख पाइए सरबत ठाई सुख मोस थूल राव रहे आ सरबत ठाई सुख मोस हाल जाल विकार तज सब हाल जाल विकार तज सब हर गुना नित गाओ हर गुना नित गाओ दे अपना दे अपना कर जोड़ नाल दान मांगे दे अपना नाओ दे अपना नाओ दे अपना असा महला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखिया जिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे अंगे आल अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर नदार पदार तो बावड़ नकलिया जन लाल कलाम आराध्या आराध हर मिलिया जन लाल कलाम आराध्या सलोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे ताहे सत जुग रथ संतोख का धर्म गै रथवाहो ते त्रै रथ जते का जोर गै रथवाओ द्वापुर रथ तपै का सत गै रथवाओ कल जुग रथ अग्न का कूड़ अगै रथवाओ महला पहला साम कह सितंबर स्वामी सच में आच्छे साच रहे सब को सच से मावेरी के रे आ प्रभु राम नाम देवा में सूत ना ले प्रचक जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जा दम्बिया पार जात को पीले आया बिंद्रावन में रंग किया काल में वेद त्रवण हुआ नाव खुदाई अल्लो पिया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सत्यार पड़े गुण तीन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मोखंतर पाए बोड़ी सतगुरु गिटो वारिया जित मिले कसम संभाल जिन का बेस ज्ञान अंजन दिया इन्नी नेत्री जगत ने हालिया कसम झूठ डूब लगे डूबे सेवन करिया सतगुरु हमेशा फिर लिने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया कोई सतगुरु बिट्टो वारिया जित मिले कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया नित्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजा लगे डूबे सेवड़ जा रिया
सतगुरु है बोए थावर ले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया जिनी ऐसा हर नाम न चेते हो सेकाए जग आए राम राजे मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिठा सब जाए उन बत्ता हर नाम ना बीजे हो अगे पुका क्या खाए मन मुखा लो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए। श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अति रगत मुच ओए जे आवे आस कर जाए निराशा कित फल फिके फल बग बके कम न आवे पत मिठत नीवत निवी नानका गुण चंगे आया तत सब को निवे आप को पर को निवे न कोए तर तराजू तो लिए निवे सगोरा होए अपराधी दुना निवे जो हंता मिर गाहे शीस निवाये क्या थिए जार दे कुछ दे जाहे महला पहला पाठ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सबल समादं मुख चूर विभूखन सारं त्रैपाल ते हाल विचारं गलमाला तिलक ले लाटं दो तोती बस कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकर ने चोकर्मं कौ नानक ने चो त्यावे सतगुर वाट न पवे पौड़ी कपट सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना पता चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म की मन पाव दे राय पीड़े अगे जावना मंगा दुध चलिया का दिसे खरा डरावना करियो कण नंगा दुद चा लिया ता से खरा डरावना कर औगुण पछोतावना कर औगुण पछोतावना तू हर तेरा सब को सब तुद उपाय राम राजे किच हाथ किसे दे किच नाही सब चले चलाए जिन तुम मेले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुरु बेटिया हर नाम तराए नाम तराए। श्लोक मला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जने ओ जी का होय ता पांडे कत ना ओ टुटे ना मन लगे ना ए जले ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मूलड़ाया बह चौके पाया सिखा कन जड़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला। लाख चोरियां लाख जारियां लाख कुड़ियां लाख गाल लाख ठगियां पहला मियारा तिनस जी लाल ताग कपाहो कत्ती है बामन वट्टे आए कुछ बकरा रिन खाया सबको आख्य पाए ओए पुराणा सुटी है पी फिर पाई है हो नानक तग न तुटई जे तग होवे जोर मेला पहला। नाय मनिए पत उपजे साला ही सच सूत दरगह अंदर पाई है तग न तुटस पूत महला पहला। ताग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना थी तगना जेवा तगना की वे तगापे वटे वट तागे अवरा कत्ते ले पाड़ करे विया उकड़ कागल तो सहराहु सुन वेखो लोका एओ विडान मने अंदा ना सुजान पोड़ी साहिब हुई दयाल कृपा करे तसाई कर कराई सी सोसे मुझे वा करे
ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਵਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮ ਬਣ ਸੋਹਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫੰਦ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗੈ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਕੋ ਬਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀ ਜੈ ਹਰ ਕਰ ਤਾ ਸਭ ਕੀ ਛਾਣ ਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਦ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀ ਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਦ ਹੈ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੁ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇ ਛਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੈ ਕਦੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਗਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਘਰੇ ਨਿਵਾਸ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਪ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਨਾ ਪਿਆ ਵੈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਾਇਆ ਹਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੁਰਨਾ ਨਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮਥੈ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਕਾਈ ਅਤ ਛੁਰੀ ਤਕਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰੋ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇ ਚਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੈ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਝੂਠੈ ਝੁਲੀ ਪਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦੋੜਾ ਵੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਕੰਧੈ ਲਾਏ ਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਪਿਕ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਪਿਕ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਪਿਕ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾ ਆਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵਣੀ ਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾ ਆਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਨਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਖਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾ ਆਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਪਿਕ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਪਿਕ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿੱਤ ਤੁਮਰੇ ਵਾਰੇ ਆਇਆ ਜਿੱਤ ਤੁਮਰੇ ਵਾਰੇ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਗੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿੱਤ ਤੁਮਰੇ ਵਾਰੇ ਆਇਆ ਜਿੱਤ ਤੁਮਰੇ ਵਾਰੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਜਿਤ ਤੁਮ
सतगुर आपे करने हारा, आपे करने दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा। नानक को प्रभ पे कृपाला, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया, जित तुम रे द्वार आया, बाण जाई उस बेला सुहावी, कुर्बान जाई उस बेला सुहावी, जित तुम रे द्वार आया, जित तुम रे द्वार आया। तेरा दिता नहीं है सुख, तेरा दिता नहीं है। मुक्त पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए। कहा बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाए, तू आपे शरदा लाए। नानक को तब है कृपाला, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया, जित तुम रे द्वार आया, जित तुम रे द्वार आया। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, कुर्बान जाई उस बेला सुहावी, जित तुम रे द्वार आया, जित तुम रे द्वार आया।
सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला नानक को तब है कृपाला सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा पाया जित तुमरे द्वार आया जित तुमरे द्वार आया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वार जित तुमरे द्वार नानक को प्रभ पे कृपाला सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा पाया जित तुमरे द्वार जित तुमरे द्वार जित तुमरे द्वार आया आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगुर से आने राम राजे जे बारों पुल चुक बोलते की खरे हर माने हर संतानो हो हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हर पाण सतानी सलोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस्त संदिये पितरी चोर करे वडिये हथ दलाल के मुस्फिये करे नानक गए सो मिले जे खटे काले दे महला पहला जो जो रुसनावनिया वैवारो वार जूठे जुकटा मुख वसै नित नित हुए कुआ सूचे ना आखिए बहन जे पिंडा तोए सूचे से ना निका जिन मन वस्या सोई पूरी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हर मसवारिया कुटे मंडक माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करन पाउन दे हर पूजन नाई हारिया तरफ मसाया वेख मेहनत मरन विसारिया जरियाई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया घोड़ी तुरे पलाने पोड़ में खरंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माणिया लाए बैठे कृपा सारिया चीत करमन पाउंदे हर पूजन नाई हारिया कर फरमाइश खाया विक मेहनत परन विसारिया जरियाई जो बन हारिया जरियाई जो बन हारिया जिथे जाए बहे मेरा सत गुरु सुथान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया लै तुर मुकला गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम
जन नानक सतगुर पूजया तिन हार पूज करा। श्लोक महला पहला। जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए, गोहै तै लकड़ी अंदर कीड़ा होए। जेते दाने अनके जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। सूतक क्यों करया खीए, सूतक पवै रसोए। नानक सूतके बना उतरे, ज्ञान उतारे तोय महला पहला। मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तन रूप। कन्नी सूतक कन पहला इता बारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए। महला पहला। सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए। खाना पीना पवित्र है जितोन रिजक संभाए। नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाए पौड़ी। सतगुर वड्डा कर सलाही है इस विच वड्डिया वड्डिया समलित नदरियाया। जातिस पाड़ा कमान वसाईया कर कमस्त भात कर विचो मार कटिया बुरे आईया। सैतु है नानक पाईया नानक पाईया नानक पाईया। पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डिया वड्डिया आईया। सह मिले दरियाइया जात पणा ता मन वसाइया। कर हुक्म मस्तक हाथर विचो मार कटिया बुरियाइया। सह टुठे नौ निद पाइया सह टुठे नौ निद पाइया। गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे। कर सेव पूरा सतगुरु जाए ले मेरी। गुरसिखा की भुख सब गई इन पिछे होर खाए कलेरी। जन नानक हर पुन बिजया फिर कोट लावे हर पुन केरी हर पुन केरी। सलोक महला पहला। पहला सुचा होए सुचे बैठा आए, सुचे अगे रखियो उनको ना पिट्यो जाए। सुचे होए कह देवे लगा पड़न सलोक, कौथी जाए सटिया किसे लगा दो। अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून। पंजवा पाया किरत ता होआ पाक पवित। पापी स्यों तन गड़िया तुका पया तित। जित मुख नाम ना उचरे बिन ना वै रस खाए। नानके वै जानिए तित मुख थुका पाए। महला पहला। पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन भी आहो। पंडो हो वै दोस्ती पंडो चले राहो। पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान। सो क्यों मंदा किए जित जमे राजान। पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए। नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाहिए पागारती चार। नानक ते मुख जिले तित सच्चा दरबार। कोड़ी सको अके अपना इस नाही सो चुन कटिया किताब अपना। आपे ही लेखा सटिया दरना लाई है ते जग। आता इत दार बहंदिया मंदा किसे नाखी है। अने अंतर ये हो बुझिया उनकै सोच निकड़ी है।
किता अपना आपे ही लिखा संडी है, जा रहना नहीं इत जगता का गार भंडी है, वंदा किसे ना आखिए पढ़ कर ए हो कुजिए, मूर्खे नाल ना लुजिए, मूर्खे नाल ना लुजिए। गुर सिखा मन वदाईया, जिन मेरा सतगुर दिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिखा मन मिठा, हर दर गए गुर सिख पहनाई है, जिना मेरा सत गुर तुठा, जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ, ਮੋਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ, ਜਿਨ ਪੱਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੈ ਕਿਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਚੱਬੈ ਦੇ ਤਾ ਖਾਏ, ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ, ਦਰ ਲੇ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਤੇਲ ਬੋੜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਲਾ ਕੀਓ, ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈ ਧਾਰੀਐ ਜੇ ਕਹਿ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ, ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸਿਖਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਹੀ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਦੀ ਦਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲਾ ਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਰ ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ, ਕਰ ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ, ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ, ਕਰ 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 ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ, ਰੱਬ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਤਾਰੇ, ਰੱਬ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਤਾਰੇ, ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ, ਕਰ ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ, ਕਰ ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ, ਕਰ ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ, ਰੱਬ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਤਾਰੇ,
मिलो प्यारे नया तारे दया लड़ लाए लीजिए कर दया लड़ लाए लीजिए कर दया लड़ लाए लीजिए कर दया लड़ लाए लीजिए सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नाम निज दरियाओ जन्म हम कालक तोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सम्राट पूरन सदा में चल
उच्च आगम अपारे बिनवंत नानक पार कृपा मिल हो प्राण प्यारे रब मिल हो प्यारे मया तारे रब मिल हो प्यारे मया तारे दया लड़ लाए लीजिए कर दया लड़ लाए लीजिए कर दया लड़ लाए लीजिए कर दया लड़ लाए लीजिए रब मिल हो प्यारे मया तारे मिल हो प्यारे मया तारे दया लड़ लाए लीजिए कर 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 दया लड़ लाए लीजिए महला चौथा जिन्हें भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ा वै राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए ते तिन जम नेण दया है जर नानक को हर कृपा कर नित जपै हर नाम तरावे श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस काढ़ी है सदी रह समाए चंगा कर्म ने मंदा मंदा होए आस के हो ना आखिए जे लिखे वरते सोए महला दूजा सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवे कुड़िया थाय नकाई पाए पुड़ जिस वस पाई है सो साहिब सदा संभाली अज किता पले अपना साकाल बुरी क्यों काली है मंदा मुना की चई दे लम्मी नजर निहाली अज साहिब ना लहारी है ए रेहा पासा ताली है पिछला ये ऊपर ताली है ऊपर ताली है ऊपर ताली है ओड़ी जिससे भी ऐसा पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित किता पाई है अपना सकाल प्री क्यों काली है मंदा मुन की जे जेल नी निर्देहाली है जो साहिब ना लहारिये ते वे हफा सा टाली है किचला है ऊपर काली है किचला है ऊपर काली है जिन गुरमुख नाम ते आया बिना फिर बिगल ना होई राम राजे जिन सात गुर पुरख मनाया सब कोई जिन सत गुर प्यारा सेवया इना सुख सद होई जिन नानक सत गुर भेटिया तिना मिलया हर सोई सलो महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवात गला करे कनेरिया खसम ना पाए साथ आप गवाए सेवा करे ता किच पाए मान नानक जिसनों लगा तिस मिले
लगा सो परवान मला दूजा। जो जी होए सो उगवै मोह का कहिया वाओ, बिजय बिख मंगे अमृत वेखो इन्या मेला दूजा। नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास, जे हा जाने ते हो वरते वेखो कौन निर्दास। वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म ना चले कहनी बने दास। ਕੂੜਕ ਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸਤਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ। ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਾ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ। ਜੇ ਚੱਲੈ ਹਸ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਵਜੋ ਬੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ। ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ, ਮੂੰਹ ਹੈ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਵਲਾ। ਇਸ ਕਹੀਐ ਕਹੀਐ ਸਾਵਾਸ ਨਾਨਕ ਨੱਚ ਲਈ। ਲਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ, ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ, ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਕੋੜੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੇ ਜਿੱਤ ਲੈ ਖਸਮੇ ਪਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਿਢੂਣਾ ਖਾਏ। ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗਹਿਰ ਦੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਜੋ ਗਾਏ ਗਲਾ ਮੋਏ ਮੋਹ ਪਾੜਾ ਖਾਏ। ਜਿਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਨਾਂਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਸਭ ਦੁਸ਼ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਢੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪਨੀ। ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਕਦੀ, ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਲਗਨ ਜੰਗੀਰੀਆ। ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪਰਾਏ ਕਰਿਆ, ਮੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਲਕੀਆ। ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ, ਕੋੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਤਕੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਵਿਸਿਆਰ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਘਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਫਿਰੂ ਦੀਵਾਨੀ ਹਾਂ, ਫਿਰੂ ਦੀਵਾਨੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਹਰ ਟੋਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰੂ ਦੀਵਾਨੀ ਹਾਂ, ਫਿਰੂ ਦੀਵਾਨੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਹਰ ਟੋਲੀ ਹੈ। ਓ ਫਿਰੋ ਦੀਵਾਨੀ
कारण हार टोली है तो फिरो दीवानी। कोई मेल मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गुल गुल गोली है हाँ फिर दीवानी हाँ फिर दीवानी। पागल पागल इस कारण हार टोली है हाँ फिर दीवानी। दीवानी
कारण हार तो लिए फिरो दीवानी फिरो दीवानी फिर दीवानी आए गुरु हर जुग जुग भगत पाया वैद रखदा आ राम राजे हर नाथ सदुसवार मारिया प्रहलाद कराया तारी अनिंदता पिटदे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा वर सेविया अंत ले छटाया जन नानक ऐसा वर सेविया आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे इकनी दूध समाई है कुछ लै रहन चढ़े इक निहाली पैसवन कुछ ऊपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा आपे साजे करे आप जाए फिर रखा आप तिस विजन तू बाय कह देख था पुथा किसनो कहिया नानका किसनो कहिया नानका सबकी चापे आप सबकी चापे आप सबकी ची आपे आप पौड़ी वड्डी क्या वड्याई आप कहना कहने न जाए सुपरता का दर करी देतिया रिक समाए सावितार कमावनी गुरु चौधरी पाए नानक की बाही और तू जी नाही जाए सुख परे जब सैर जाए रजाए रजाए सुख नाहे गुरुजी का खालसा नाहे गुरुजी की फतेह नाहे गुरुजी का खालसा नाहे गुरुजी की फतेह नाहे गुरुजी की फतेह नाहे गुरुजी की फतेह बड़ी बड़ी क्या बड़ी आया कुछ कहना कह न जा सौ कृता का दर करीम दे जिया रिजक समाय साईकार कमावली तुर छोड़ी तिन्ने पाए नानक के बाहरी होर दूजी नाई जाय सौ करे जित से रजाय सौ करे जित से रजाय सुद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह श्री हरि कृष्ण ते आई है श्री हरि कृष्ण ते आई है जिस बिठे सब दुख जाए जिस बिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर हर नानक आवे ताए सब थाई होए सहाए श्री हरि कृष्ण प्यारी है श्री हरि कृष्ण ते आई है श्री हरि कृष्ण ते आई है श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात दिवस रात विदाई दाया खेलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुकुजले केती छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जीओ अमृत वेले तो ही धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठ के संपूर्ण साहब की वार दे शब्द कीर्तन भाई सपाई सहजदीप सिंह जी दिल्ली वाले पासों आसा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण करते हुए जीवन सफला कर रहे सो भाई साहब जी ने भी फतेह बुलाई है संगत भावें घट हो भावें ज़्यादा हो फतेह तो बुलानी बनती है सो आओ सारे फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 14 ਤਰੀਕ ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਪਰਸੋਂ 14 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਦੁਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀ ਐ, ਤੁਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
मेरा रतन नाम हर बसिया गुर हाथ तरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो ऋण लाथा मेरा ही अरे रतन नाम हर बसिया गुर हाथ तरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुरु नाम दियो ऋण लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्थ गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नावे जीवन बिरथा रहा बिन गुर मुड़ पाए हैं मन मुख ते मोह माया नित पाथा तिन साधु चरण न सेवे कब तिन सब जन्म अकथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल ओ जन्म सनाथा मुको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथ हम अंधले ज्ञान हीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलंथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलंथा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु वाहिगुरु पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुशोभित
गुरु खालसा सतसंग जी गुरबाणी दा रसपिन्ना कीर्तन अते हजूर दा अमृत वेले दा फुरमान आप जी ने श्रद्धा ते प्यार दे नाल श्रवण कीता है, आनंद माणिया है। उपरंत सतगुरु जी दा कोटान कोट शुकराना है जिन्हां दी रहमत ते बख्शिश दा सदका सानू ये गुरबाणी विचार करन दा सुभागा समा प्राप्त होया है। लड़ीवार गुरबाणी विचार जाप साहिब कलगीधर दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दी उचारण कीती होई है नितनेम दी बाणी अमृतमई बाणी सतगुरु की कृपा दे नाल असी 149 नंबर तक इच्छंतां दी विचार हो चुकी है। अज 150 नंबर जो कि भगवती छंत तव प्रसाद तो आरंभ हो रहा है। करो कृपा पातशाह दे चरणों के अंदर हाजरी लवाइए। भगवती छंद तव प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं हमें सुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं साहिब दिमाग हैं के हुस्नुल चिराग हैं साहिब दिमाग हैं के हुस्नुल चराग हैं कामल करीम हैं के राजक रहीम 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 हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु कलगीधर दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस वाहिगुरु जी का शोभा उस दे शुभ गुण उस दियां बरकतां उस दियां रहमतां ते उस दी ताकत शक्ति उस दा वर्णन इस छंत दे अंदर करन लगे हन ते उपर बकायदा उचेचे तौर ते उन्हां नूं लिखना पिया भगवती छंद। संसार दे अंदर साडे देश दे अंदर ये भगवती शब्द जो है किसी देवी दे नाल जोड़िया जाता है। यही कारण कि बहुत सारे विद्वानों ने इत्थे आके थोड़ा टपला खादा है भुलेखे दे विच पै गए ते कुछ इस तरह दियां मनोकल्पत मनोघड़त साखियां भी उन्हां लिख दित्तियां कि वह वाकई ही देवी दे पुजारी सन। नैणा देवी दे टिल्ले दी उपर उन्होंने उस दी पूजा कीती। फिर अपनी गल नूं सिद्ध करन वास्ते उन्होंने बकायदा नाल प्रमाण दिते वेखो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दशम ग्रंथ के अंदर जिथे 24 अवतारा की कथा लिखी है होर भी कई अवतारी महापुरशा की कथा लिखी है उथे वह चेचे तौर पर उन्होंने चंडी चरित्र देवी की भी कथा लिखी है। ये प्रमाण नाल दे के
इस गल नूं सिद्ध करना चाहुंदे हन। सारियां अवतारां दा जिक्र, पर इह ख्याल ही कोई ना रहा कि जिथे भगवती छंद लिखिया है उहदे अगे लिखिया तव प्रसाद, तेरी कृपा। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, जिहड़ी तेरी शक्ति है, जिहड़ी तेरी बरकत है, उस तेरी शक्ति, तेरा बल, तेरी बरकत लैके ये छंत उचारण करन लगा हाँ। वो एक अकाल दे पुजारी हैं, किसी होर दे नहीं। कान सुने पहचान न तिन सौ, कहिंदे मैं कान दी गल सुनी, कन्हैया कृष्ण दी गल सुनी। कन्ना नल सुनी जरूर है, पर मेरी उन्हां दे नल पहचान, जान पहचान कोई नहीं। मैं उन्हां नूं जानदा नहीं, क्योंकि समाज के अंदर जो प्रचलित गाथावां सन, उन्हां दे अंदर कई तरह की मिलावट ते कई तरह के इस तरह दियां विचारां शामिल कीतियां गईयां सन, जो कि धार्मिक लोगों के मनां दे उपर गलत असर पाउंदियां सन। गोपियां दे नाल नृत करना, गोपियां दे नाल गंगा विच जमुना विच इशनान करना, तरह तरह के इस तरह के विचार। सतगुरु जी ने विचार की, ये जो गलत फहमियां समाज के अंदर फैल गई हैं, उस गलत फहमियां नूं बाहर कढ के जो उन्हां दे जीवन की सच्ची सुची विचारधारा है वह लोगों के सामने रखी जाए। गुरु महाराज का यह भाव सी जो अवतारां की कथा लिखी है। कान सुने पहचान न तिन सौ, लिव लागी मोरी पग इन सौ। इन सौ कहते हैं अकाल पुरख नूं, लिव ते मेरी अकाल पुरख दे नाल लगी हुई है। हाँ, इन दियां समाज के अंदर प्रचलित गाथावां सुनिया ने, पर वो दे अंदर मैं विचार करके वेखिया है बहुत सारी मिलावट हुई है। उस मिलावट नूं मैं बाहर कढ़ना चाहुंदा सां। सतगुरु कहन लगे, महाकाल रखवार हमारो, जड़ा काल नूं भी मारन दी समर्था रखदा है, महाकाल अकाल पुरख वाहिगुरु मेरा रखवाला ओ है। महालोह मैं किंकर थारो, मैं उन्हां दा दास। सतगुरु जी ने जिथे ये महालोह ते महाकाल का जिक्र किया, इतों पता लगता पिया कि सचमुच ही ओ अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे पुजारी हैं, एक अकाल नूं मनन वाले हैं। उन्होंने जितने भी ये विद्वानां दे कोलों, कवियां दे कोलों, या उन्होंने आप रचना की थी ये अवतारां दी, उहदा भाव ही ये सी जो इहदे अंदर मिलावट हो गई, गलत फहमियां फैल गईयां ने, उहनां नूं बाहर कढ के साफ सुथरा महापुरशां दा जीवन तमाम लोगां दे सामने, समाज दे सामने रखिया जावे। इस लई सतगुरु जी इत्थे इह छंत दा नाम भगवती छंत लिख रहे हन। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने जो विचार इस भगवती छंत दे रूप दे अंदर बख्शिश की थी, गुरमत सिद्धांत नूं जिस वेले लैने आ ते उस वेले पता लगदा है, हे वाहिगुरु
मैं गुरु नानक दे चरणां दे अंदर अरदास करना जो तेरा सरगुण सब रूप है उन्हां नू याद करना ते उस तो पहला तेरी जड़ी शक्ति है तेरी जड़ी बरकत है प्रथम भगवती सिमर कै उथे भी भगवती शब्द सतगुरु जी ने वरते है प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए उसे दा ही वाचक ए भगवती छंद है फिर होरना महापुरुषां ने भी जिन्हां दी बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर शामिल है सत्कार योग भगत रविदास जी उन्होंने बड़ा सुंदर एक अपना बचन आखिया है भगवती की है कोई देवी है या इसका मतलब कुछ होर है एक बचन लिखते हैं तर तार अपवित्र कर मानी है तर कहते ने रुख नू दरखत नू तार कहते ने ताड़ी दा दरखत तर तार अपवित्र कर मानी है उसनू ताड़ी दे रुख नू अपवित्र मनिया गया है उस दे विचों एक ऐसा रस निकलता है जिस दे विच नशा हुंदा है ते शराब दी वरतों दे विच ओ कीता जांदा है इसलिए उसनू अपवित्र आखिया गया है तर तार अपवित्र कर मानी है जैसे कागरा करत विचार कहिंदे पुरातन पुस्तकां धर्म ग्रंथां दे अंदर पोथियां दे अंदर भगत रविदास जी कहिंदे मैं पढ़ के देखिया विचार करके देखिया कि इस ताड़ी दे दरखत नूं अपवित्र कर्म के मन्या जांदा है जैसे कागरा करत विचारं कागरा दा भाव है कागजां दे उपर किताबां ते पोथियां दे अंदर लिखिया होया है फिर अगे चल के आखदे हन जो रस निकलदा ओदी ते शराब बनदी है पर उस वेले ओ ताड़ी दे रुख दे पत्तियां दी ते ताड़ी दे दरखत दी जो छिलका सी उसनू उतार के उसका कागज बनाया जांदा सी कागज बना के भगत भगौत तह लिखी है भगत भगौत लिखी है तह उपरे पूजी है कर नमस्कार जिस कागज के उपर हे भगौती भगवान परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु तेरा नाम लिखिया जांदा है दरखत नूं ते अपवित्र मन लिया पर जिस वेले कागज के उपर तेरा नाम लिखिया गया उस वेले उस कागज के सामने लोगों ने आके नमस्कारां कीतियां मत्था टेकिया क्योंकि परमात्मा का नाम लिखिया है सतगुरु जी ने इस भगती का भगौती का वर्णन किया भगौती भगवंत भगत का रंग जिसनों भगती का रंग लगे भगौती ओ है इसलिए भगवती छंद उचारण करन लगा तव प्रसाद अज किसी व्यक्ति नूं कोई थोड़ी जी वाहिगुरु जी मत दे देवन ते ओ कोई ना कोई पुस्तक लिख देवे कोई किताब लिख देवे ते अपने नाम दा उपर ठप्पा लगाउंदा है अपना नाम उपर लिखदा है ये किताब दा राइटर मैं हाँ ये किताब मैं लिखी है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उन्हां दी संपादना धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्होंने की थी कि सत्कार योग भाई साहिब भाई गुरदास जी ने लिखण दी सेवा निभाई
ਇਹ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਵਰੂਪ ਪੂਰਨ ਸਵਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ 'ਤੇ ਜੁਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਜੈਸਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਹਾਂ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
नौवें पातशाह की उचारण की हुई बाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर शामिल करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप पूर्ण तौर पर तैयार हो जाता है। उन्होंने अपना कोई नाम नहीं लिखिया कि रचना संपादना करने वाले गुरु गोबिंद सिंह या लिखारी भाई मनी सिंह या बाबा दीप सिंह, क्योंकि यह ज्ञान ये बाणी ये शब्द गुरु है ते गुरु नानक दे उपर मोर लगा के कोई नहीं दुनिया ते आख सकता कि यह मेरा ही गुरु है किसी होर दा नहीं। वो सांझी वालता दे हैं हिंदू तुरक कौ राफजी इमाम शाफी मानस की जात सब है एक है पहचान वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। उन्होंने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नू गुरता गद्दी ते शोभायमान कीता। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। जिस वेले किसी संस्था का नाम आउंदा है किसी आदमी का नाम आउंदा है उपर लिखिया होया उस वेले बड़ी हिरदे नू ठेस पहुंचती है। जे तो भाई तुहाडी रचना है फिर तो तुसी अपना नाम लिखो। जे तुहाडी रचना नहीं रब्बी ज्ञान है गुरु नानक वालों बख्शिश होई है सतगुरु साहिबाना ने बाणी की बख्शिश की है फिर तुहानू अपना नाम लिखण दा इत्थे कोई हक नहीं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी इत्थे तव प्रसाद तेरी कृपा दे नाल ये बरकत वाला ये शक्ति वाला ये जोर वाला छंत जो उचारण करन लगा ये तेरी कृपा दे नाल सतगुरु जी जिक्र करदे हन। कहन लगे विद्वानों ने जो विचार करके लिखे कहन लगे गुरु महाराज के अंदर इतनी शूरवीरता इतनी बहादुरी इतना वीर रस इतनी चढ़दी कला। ओ गरीब लोग जिन्हां दे उपर जालम लोग जुलम ते तशद्दद करदे सन मजलूम बन के विचारे बर्दाश्त करी जा रहे सन उन्हां नूं बांह तों पकड़िया ते छाती दे नाल लगाया ते बचन किया। कहन लगे प्यारियो इन गरीब सिखन को हों दूं पातशाही पातशाहियां तुहानू देनिया ने ताकि याद रखे मेरी गुरियाई ये दातां तुहानू देनिया ने। इतना वीर रस इतनी चढ़दी कला शस्त्रां दा प्रयोग इतनिया बाहां दे अंदर उन्हां दे बल शक्ति बड़ी वड़ियां वड़ियां फौजां दस दस लख तक गिणती दे अंदर चढ़ के आईयां और उन्होंने डट के टकरा ते मुकाबला किया वीर रस। ते जिस वेले बाणी लिखण बैठते ने उस वेले कहते ने तव प्रसाद ये निम्रता ते प्यार दा मुजस्मा है। जिथे वीर रस है ताकत है शक्ति है ताण है शस्त्र हैं फौजां रखियां ने जंग युद्ध हो रहे ने ऐसे व्यक्ति दे अंदर कोल निम्रता भी होवे प्यार दा मुजस्मा होवे तव प्रसाद भाव के तेरी कृपा दे नाल। कहिंदे जिस तरह कोई बंसरी हुंदी है ना बंसरी दे विचों हलना कोई कोई वजाउण वाला उस्ताद होवे चंगा जानकार होवे चंगी उसने ट्रेनिंग लई होवे जिस तरह हारमोनीयम दी वाजे दियां सुरां दे विचों तरह तरह दे राग निकलदे ने इसे तरह बंसरी दी आवाज दे विचों तरह तरह दे राग प्रगट हुंदे ने। कदे कदे जदों कीर्तन दरबार हुंदा है कोई
चंगे नामी ग्रामी रागी आए होंगे उस दिन एक बाबा जी आते हैं इधर पछम बिहार वालों वो बैठ के पिछे उन्होंने बंसरी बजाते हैं और उ राग बंसरी के क्ढण गए बड़े कलाकार हैं। सतगुरु कहन लगे निरंकार वाहेगुरु मैं तो एक बंसरी हाँ ते तू मैनू बजाउन वाला है तू जिस तरह फूक मार के मेरे विचों राग प्रगट कर रहा है ते मैं उस तरह बोलता पिया हाँ तव प्रसाद तेरी कृपा दे नाल मेरी अपनी समर्था नहीं तेरी कृपा दे नाल इतना निम्रता वाला इतना समर्पित जीवन लभना बड़ा मुश्किल है। हर तरह के हर पक्ष तो हर पहलू तो पूर्ण तौर पर जिथे वीर रस है ताकत है शक्ति है शस्त्र है उथे निम्रता से अपना आपा समर्पित कर देना। हे निरंकार वाहिगुरु ये उन्हां दा एक महान गुण ते परोपकार है। जिहड़ा बंदा पूजा करन जांदा है ना या पूजा करन वास्ते आया है मन नहीं लग्या मन करके समर्पित नहीं हो सकिया कहिंदे कोई गल नहीं पर तन दी हाजरी तां लग गई है ना। जिस तरह अज तन की हाजरी लगी है गुरु की कृपा का सदका एक दिन ऐसा आएगा उस दिन मन भी समर्पित हो जाएगा। सतगुरु ने अपना तन मन धन सबो कुछ मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो तन है सब ही इन ही को मेरा अपना आपा कुछ नहीं। जिस वेले सचखंड श्री हजूर साहब विखे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने गुरता गद्दी ते सुशोभित किया हुण हजूर तो पहला दस पातशाहियां तो पहला महान वड्डे सतगुरु साहिबान ते उन्हां तो वरसाए हुए अनेक ब्रह्म ज्ञानी महापुरख गुरसिख मौजूद सन। बाबा राम कुएर जी वर्गे जो बाबा बुढ़ा जी की अंश बंश विचों सन उन्होंने भी खंडे बाटे की पहुल लई ते नाम रखिया गया गुरबख्श सिंह। एक दिन माता गुजरी जी ने आखिया कि यह जी सुखमनी साहब के अंदर ब्रह्म ज्ञानी वाली अष्टपदी आउंदी है इनू पढ़ के मैं थोड़ी जी आश्चर्य भी होई हाँ। गुरु अर्जन देव जी ने ब्रह्म ज्ञानी का जिक्र किया है ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप इस तरह निर्लेप रहिंदा संसार के अंदर। लाल जी कोई ऐश वेले भी ब्रह्म ज्ञानी है? सतगुरु कहते हाँ माता जी कदे किसी चीज का बीज नाश नहीं होंदा हैन विरले ना ही कणे मौजूद ने। जे कोई ब्रह्म ज्ञानी है तो फिर कृपा करो मैनू दर्शन करवाओ दे। सतगुरु कहन लगे भी तुसी सवेरे प्रशादा तैयार करो तो प्रशादा छकण वेले आ जाणगे। ऐश वेले किथे ने? कहिंदे जिला अमृतसर रामदास नगर दे अंदर उथे बैठे ने ते इतनी दूर किस तरह आ जाणगे? कहन लगे बस यही तो ब्रह्म ज्ञानी निर्लेप है। माता जी ने लंगर प्रशादा तैयार किया ते याद करदे ने कि उधर बाबा राम कोयर जी जो ब्रह्म ज्ञानी सन उन्हां नूं पता लग गया तारां खड़क गईयां आप जी आनंदपुर साहब आ पहुंचते हैं आके प्रशादा छकते हैं। लो माता जी ब्रह्म ज्ञानी जी आ गए ने करो इन्हां दे दर्शन। सतगुरु जी आप ब्रह्म ज्ञानी हैं समर्पित हैं उस मालिक दे दर ते। फिर उन्हां दे अगे किस ढंग दे नाल असी झुकीए किस तरह नमस्कार करिए उन्हां नूं
जिहड़ा व्यक्ति पहले दिन आया है भावें उस दे तन दी हाजरी लग गई पर मन दी नहीं लगी क्योंकि मन जुड़ नहीं सकिया। असी भी झुकदे हाँ, झुकना होर गल है, सचमुच ही तन करके मन करके जुड़िया होवे उस निरंकार दे नाल उहदे शुभ गुणां नूं वेख के सुभाव की चित करदा है कि इहदे सामने झुक जाइए, हाथ जोड़ के सी झुका के इहनूं नमस्कार करिए, फतेह बुलाइए। जिस तरह फुलां दे कोल आया खुशबू आउंदी है, इसी तरह इस करनी वाला ऐसा महापुरश मिल जावे ते सुभाव की उहदे कोलों लंघिया नमस्कार करदियां ही सुभाविक नेत्र सजल हो जाणगे। इह उहदे शुभ गुणां दा प्रभाव है फुलां दी खुशबू दी तरह। सतगुरु कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, यह उन्हां दा बड़ा वड्डा महान गुण है। फिर दूसरा प्रमाण उन्होंने दिता, कहण लगे दंत जीव ज्यों राख हैं दुष्ट अरिष्ट संघार, उन्हां दी बाणी भी जिक्र आउंदा है। साडे मूंह दे विच दंद हैं, सखत तो सखत चीज भी असी चबा के उसनू खा लैने, चक जाने। इन बत्ती दंदां दे विचकार एक बड़ी कोमल ते नरम जी जबान है, दंद उहदी रखवाली करदे ने, पदार्थां दा रस लैंदी है। कहिंदे कलगीधर दशमेश पिता दा जिहड़ा विचकारला अंदरों हिरदा है ना, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਰਪੁਣਾ, ਬੁਜ਼ਦਲੀ, ਡਰਪੋਕਪੁਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। इतनी चढ़दी कला दे मालिक हुण दोनों ही विरोधी चीजा है। एक पासे दंद हैं जो सख्त तो सख्त चीज नूं चबा सकते हैं, दूसरे पासे कोमल निर्मल ये साडी रसना साडी जबान जो पदार्थां दा रस लैंदी इहदी रखवाली करन वाले। जे दोनों दे विच एक होवे ते जीवन रुक जाएगा, दो होवन ते जीवन चलदा है। इसलिए सतगुरु जी ने ये दोनों गुण इत्थे इकट्ठे कीते हैं। बचन कीता भगवती छंद तव प्रसाद, वाहिगुरु जी मैं तेरी कृपा दे नाल तव प्रसाद, तेरी कृपा दे नाल तेरी रहमत ते बख्शिश दे नाल ਇਹ ਛੰਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜ਼ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਜ਼ਹੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, हर जीव दे अंदर प्रतख विखाई देंदा है, हर जीव दे अंदर शरीर दे अंदर हरकत है। जे तेरा प्रकाश तेरा नूर ना होवे, तेरी शक्ति ना होवे, ओ एक कदम भी नहीं चल सकता। तू जाहर है, प्रतख है, ते प्रतख प्रकाश तेरा विखाई देंदा है, तेरी बरकत तेरी शक्ति उस हर एक जीव दे अंदर मौजूद है। के हाजर हजूर है, हर थां ते हाजर नाजर हजूर, हर एक थां ते मौजूद। हे निरंकार वाहिगुरु हमें सुल सलाम है, हमेशा
तू सलामत है। हे निरंकार वाहेगुरु, तू सदा कायम रहने वाला, हमेशा सलामत रहने वाला, समस्तुल कलाम है। सृष्टि के सारे जीवां दे गुणां दा वर्णन करदिया होया कहन लगे, जितने भी गुण इन्हां जीवां नूं दिते ने ना, ये सारे गुण तेरे विचों प्रगट होए ने। सारिया की बोली का विशा, पंछियों नूं बोलण दा ढंग वखरा दिता है, पशुआं नूं बोलण दा तरीका वखरा है, जीवां दे बोलण दा विशा जो वख है। इसे तरह हर इलाके दे अंदर, हर देश दे अंदर उन्हां दी बोली अपनी अपनी, ते इन्हां सारियां दीआं बोलियां नूं समझण वाला तू खुद आप है। के साहिब दिमाग है, साहिब कहिंदे ने मालिक, दिमाग कहिंदे ने बुद्ध, चंगी मत उच्ची बुद्ध चंगी सोझी, इसकी समझ का मालक तू खुद आप है। के हुस्नुल चिराग है, हे निरंकार वाहिगुरु, सुंदरता का चिराग, हुस्नुल हुसन का चिराग, दीवा भाव के तेरे हुसन का दीवे की तरह प्रकाश है। जिस तरह दीवा अजकल तो पावर सिस्टम है, जदों ये पावर सिस्टम नहीं सी तो उदों घरां विच दीवे ही जगदे सन, फिर लालटना आ गई बाद विच, पहला दीवे। जिस तरह एक दीवे की रोशनी उदे अंदर सारे घर दे अंदर बाहर जितनी कि रोशनी होंदी सी, सारा काम उस तरह चलता सी जिमें हुण चलता है। तू सुंदरता का चिराग है, दीवे वांग प्रकाश करने वाला तू, भाव इतनी सुंदरता देने वाला, सुंदर स्वरूप ते सुंदर नैन नक्श बनाने वाला ते सुंदर प्रकाश देने वाला सारिया जीवां नूं केवल तू है, तेरे तो बिना कोई होर नहीं। के कामल करीम है, कामल परिपूर्ण, करीम बख्शिशां करन वाला, हे निरंकार वाहिगुरु, जितने भी जीव हैं, ऐसा नहीं कि लहिंदे पासे वाल कोई जड़े जीव ने वो रह गए ने, ते जड़े चढ़दे पासे वाल ने उन्हां नूं तू दातां दे दित्तियां ने। जिहड़े पहाड़ी इलाकियां दे अंदर जंगलां विच रहिंदे ने उन्हां नूं, जां समुंदर दे किनारियां ते उन्हां नूं नहीं दित्तियां, नहीं ऐसा नहीं। तेरा ध्यान, क्योंकि एडी वड्डी बख्शिश दा कामल करीम है, पूर्ण तौर ते बख्शिश करन वाला हर एक जीव तेरे ध्यान विच है, चित अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएगा। है कोई ऐसा जीव? किसी तर्कवादी ने एक बार तर्क भी कीती सी, कहिंदे किधरे किसी जगह ते कुछ पत्थर की जरूरत सी, पत्थर उत्थे पौने सन, बड़े बड़े पत्थर लियांदे गए पहाड़ां दे विचों। उस तर्कवादी नूं कहण लगे, दस इस पत्थर दे अंदर कोई जिंद जान? कहिंदा हो सकदा निरंकार दी खेड़ वरत जावे। जिस वेले उस वड्डे पत्थर नूं तोड़िया गया ते उहदे अंदर भी एक कीड़ा बैठा होया, वह भी जिउंदा जागदा, ना उहदे अंदर जाण दा रस्ता ना बाहर निकलण दा रस्ता, विचकार बैठा होया। प्रभ भावै बिन सास ते रख, जे प्रभु नूं पाउंदा ते बगैर सुवासां तों भी उत्थे जीव नूं रख लिया।
तू इतनी पूर्ण तौर ते कामल करी मैं बख्शिशां करन वाला है। ते बाणी दे अंदर बाबा धन्ना जी नूं फिर आखना पिया, कहन लगे पाखाण कीट गुप्त होए रहता, कीट कीड़ा पाखाण पत्थर, तांचो मार्ग नाहीं आउण जाण दा रस्ता कोई नहीं। कह तन्ना पूर्ण ताहू को मतरे जी डराई, कहिंदे परिपूर्ण परमात्मा ने आप हाथ दे के उनू रखिया, ते तू क्यों डरना पिया, तू काहे डोले प्राणी है। तुधर आखेगा सृजनहार के कामल करीम है के राजक रहीम है। किस तरह कामल है, इतने बड़े बड़े समुंदर जिन्हां दी गिणती विज्ञानियां ने 7 समुंदर कीती है, पता नहीं कित्थों तक पिया समुंदर, ते उस समुंदर दे अंदर भी तरह तरह दे जीव डिस्कवरी चैनल वाले विखाउंदे ने, तरह तरह दे जीव। 42 लख जी जल में होते, 42 लख जूना पानी दे अंदर, उते किसी ने लंगर लाया हुआ, कोई ढाबे खोले हुए ने, कोई 5 स्टार कोई 7 स्टार कोई होटल बने हुए ने, उन्होंने कौन रजक पहुंचा रहा है। उते बैठिया नू जल महे जन तो उपाय कह तिना पे रोजी दे, उन्होंने उते रोजी पहुंचा रहे हैं। जे पत्थर दे अंदर बैठे हुए कीड़े नूं रिजक दे रहे हैं, उन्हों जीवंदा रख रहे हैं, बगैर खुराक तो जीव जीवंदा रह नहीं सकता। पत्थर दे अंदर कीड़ा वह भी जीवंदा है, पानी दे अंदर रहने वाले उत्थे भी वह जीवंदे हैं, उन्होंने जीवन मिलिया होया है। जीव तेनू ते निरंकार ने हथ पैर दिते ने, चंगी सोझी बख्शिश की है, किरतकार भी बख्शिश की है, तू क्यों डोलदा, तू काहे डोले प्राणी है। तो उधर आखेगा सिरजनहार क्योंकि राजक रहीम है, ओ निरंकार रहीम मेहर करने वाला रहम करने वाला राजक रिजक देने वाला, तू जो बार बार रोज रोज कहना कि मैनू राशन पानी चाहिए, रब दे प्यारिया ने मंगे है दाल सीधा मांगो घीओ हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छादन नीका अनाज मंगो सतसीका, गऊ भैंस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। कहिंदे गां भी चाहिए ते मझ भी चाहिए है, दो दो की करनियां ने भाई। कहन लगा महाराज जे गां दुध देण तो अड़ जावे कम से कम मझ ते दुध देंदी रवे ना, जे मझ दुध देण तो अड़ जावे ते कम से कम गां दुध देंदी रवे, इसलिए दो चाहीदियां ने। गऊ भैंस मंगो लावेरी, लावेरी दा भाव है कि उस नूं दुध देण वाली। हे निरंकार वाहिगुरु, रब दे प्यारे भी दातां मंगदे हन, ते जेड़े जीव जंतु इधर उधर जिस तरह पत्थरां दे अंदर या पानी दे अंदर, हे वाहिगुरु तू उन्हां ते मेहर करके रहम करके तरस करके उन्हां नूं रिजक उत्थे पहुंचाउंदा है। जल में जंतु उपाय कह तिना पे रोजी दे, उत्थे उन्हां नूं रिजक पहुंचाउंदा है। के रोजी देहंद है, सब जीवां नूं रोजी देण वाला है। रोजी दा भाव है रिजक, रोजी किसी दा नाम भी हो सकता है पर इत्थे नाम दा जिक्र नहीं है। रोजी दा भाव है रिजक, तू सब जीवां नूं रोजी देण वाला है। के राजक रहिंद है, हे निरंकार वाहिगुरु रिजक देण वाला ते बंधना तो मुक्त करन वाला,
कोई जीवन के अंदर इस तरह के बंधन पै जावन जिन्हों मुश्किलों के विचों निकलना बड़ा मुश्किल होवे तो उन्हां बंधना तो मुक्त करवा देना। हे निरंकार वाहिगुरु रोजी दिहंद है कि राजक रहिंद है। करीम उल कमाल है हे निरंकार वाहिगुरु पूर्ण तौर ते कमाल सब जीवां ते बख्शिश करन वाला हर एक जीव ते। ऐसा है कोई दुनिया ते जिस व्यक्ति नू थोड़ी जी रब दे बारे सोजी होवे धर्म दे बारे सोजी होवे ते वो आखे रब ने मेरे ते बख्शिश नहीं कीती। ऐसा कोई नहीं, वो हर एक ते बख्शिश करता है, हर एक नू देंदा है, दाता देंदा है, बख्शिशां करता है, पर उहदी योग्यता वेख के उहदा पात्र वेख के कि इतनी दात मैं वध दे दित्ती ते संभाल नहीं सकेगा, जितनी इसनी योग्यता है इसने इसनू दात दे देवां, जे होर वधेरे चाहीदी है ते फिर मैं अपनी योग्यता होर वधावां तां होर तरुठ पवे होर बख्शिश कर देवे। के हुस्नुल जमाल है सुंदरता दा रूप हे निरंकार वाहिगुरु जिथे तू सारियां बख्शिशां करन वाला है जमाल कमाल कर देती सुंदरता ऐसा जमाल ऐसा तेज प्रकाश ऐसा तेरा सुंदर रूप सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो अत सुंदर मनमोहन प्यारे सब हूं मद निरारे। अत सुंदर मनमोहना भाव के बाणी के अंदर उस निरंकार ये जड़ा हुसनुल जमाल शब्द आखिया है बाणी के अंदर उसनू मनमोहन मन नू मोह लैण वाला इतने सुंदर रूप वाला। हे निरंकार वाहिगुरु इनिया गुणा का मालक इनिया बरकतां ते इनिया शक्तियां का मालक इथे आके ये तीन छंत संपूर्ण होंदे हन 150 नंबर 151 नंबर ते 152 नंबर। सतगुरु जी रहमत ते बख्शिश करन अगे 153 नंबर आरंभ होवेगा कि उन्हां दे कितने शुभ गुण हन ते सतगुरु दे चरणा विच ये अरदास है कृपा करो सतगुरु गुण ते बेअंत हन सानू एक एक गुण ही बख्शिश कर दियो ताकि साडा भी जीवन सफल हो जावे भुल्लां चुक्कां खिमा। आप सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। राम कली महला की जाननी को ओंकार सतगुरु प्रसाद अनन्न व्या मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु दम पाया सह सेती मन वजी।